Good morning, students. So today I'm going to start Unit 6, General Principle and Processes of Isolation of Elements of Class 12th. हमने यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था. तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स जो होते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब हम उनको कैसे किसी भी चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, इम्प्योरिटीज़ अगर उनके अंदर एडेड हैं तो हम उनको इम्प्योरिटी से कैसे अलग कर सकते हैं, और प्योर मेटल या नॉन मेटल हमें कैसे मिल सकता है. ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आप पढ़ ही चुके हैं. मेटल्स जो होते हैं, मेटल एक लस्टर की प्रॉपर्टी होते हैं, उनके पास मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. डक्टाइल नेचर के होते हैं, मतलब दैट कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स. कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, और नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है मेटलर्जी. मेटलर्जी क्या होता है? द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. मेटलर्जी क्या होता है कि कोई भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब मेटल को निकालने के लिए. किससे? मेटल के ओर से निकालने के. ओर्स क्या होते हैं मैं बताऊंगी. तो मेटल के ओर से निकालने के लिए जिस प्रोसेस, जिन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस का हम यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी. नेक्स्ट टॉपिक आता है मोड्स ऑफ अक्रेंस ऑफ एलिमेंट्स. जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, वो दो स्टेट में पाए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट जो स्टेट होती है दैट इज़ नेटिव स्टेट, एंड सेकंड स्टेट इज कंबाइंड स्टेट. नेटिव स्टेट कौन सी स्टेट होती है? नेटिव स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो है ना हमारे, वो हमेशा और हर टाइम नेटिव स्टेट में ही रहते हैं. मतलब उनके पास, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ही लो रिएक्टिविटी होती है, और वो कभी भी जो ऑक्सीजन, मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो अदर मेटल्स हैं, कार्बन या कार्बन जो है उससे, उनसे रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, मतलब वो अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं, एयर हो, मॉइस्चर हो, उनसे रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ही बहुत लो है, तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे. ठीक है, तो उन मेटल्स को या उन एलिमेंट्स को कहा जाता है कि वो अपनी नेटिव स्टेट में है, कि अब वो रिएक्शन कर ही नहीं रहे, वो नेटिव स्टेट में है. ठीक है, तो दैट इज़ नेटिव स्टेट. इसमें आता है हमारा सल्फर, नाइट्रोजन और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एटसेट्रा. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने पर या मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आने पर रिएक्टिविटी शो नहीं करती. ये तो आपने देखा भी होगा कि जो गोल्ड है वो नॉर्मली अगर कोई पहन कर भी रखता है तो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने पर कोई रिएक्शन थोड़ी शो करता है, वैसा ही रहता है जैसा पहले था. नेक्स्ट आता है कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट क्या होती है? एलिमेंट्स विच आर रिएक्टिव, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं, हाई रिएक्टिव रिएक्टिविटी शो करते हैं, एंड हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नॉन मेटल्स. जिनकी हाई टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नॉन मेटल या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, वो होती है उनकी कंबाइंड स्टेट. इनके अलावा जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कंबाइंड स्टेट के अंदर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है अक्रेंस ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स. जो मेटल्स होते हैं ना वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हमारे पास. हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, एटमॉस्फेयर होता है या हाइड्रोस्फेयर है, वहाँ पर मेटल्स कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं. तो मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? मेटल्स हमारे मिलते हैं दो फॉर्म में, मिनरल्स एंड ओर्स की फॉर्म में. मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस. जो केमिकल सब्सटेंस नेचुरली प्राकृतिक रूप से अकर करते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इन विच मेटल्स अकर इन अर्थ क्रस्ट. जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मिनरल्स कहा जाता है. ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, और इनके अंदर अमाउंट होता है किसका? हमारे मेटल्स का. ठीक है, देन आते हैं ओर्स. ओर्स क्या होते हैं? ओर्स मिनरल्स होते हैं. ठीक है, ओर्स क्या होता है? मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. हर एक मिनरल से क्या मतलब मेटल नहीं निकाला जा सकता. ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसका मतलब क्या है कि हर एक ओर जो है वो मिनरल है, बट हर एक मिनरल ओर नहीं होता. ठीक है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. ठीक है, तो मिनरल्स कौन से हुए?
जो कि नेचुरल अकर करते हैं अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं और जिनके अंदर क्या होते हैं मेटल्स होते हैं हमारे। ओर्स क्या हुए, वो मिनरल्स जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनको कहा जा रहा है ओर्स। जैसे कि एल्यूमिनियम जो होता है ठीक है, बॉक्साइट के रूप में मिलता है Al2O3:2H2O ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें क्या है एक्स्ट्रा ही हैं, ऑक्सीजन और वाटर का कंटेंट जो एक्स्ट्रा है। हमें तो सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए ना, हमें सिर्फ मेटल चाहिए। क्ले, क्ले में क्या होता है Al2O3 सिलिकॉन ऑक्साइड होता है और वाटर होता है, तो ये एक्स्ट्रा है, ये सारी चीज़ें सिर्फ एल्यूमिनियम ही चाहिए। तो क्ले के अंदर भी एल्यूमिनियम होता है, ये क्या होते हैं ओर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की बात हो रही है ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितना होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में है ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली अपनी ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं ठीक है, तो ऑक्साइड फॉर्म में है इसका मतलब उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा ना, ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा तभी तो हमें मेटल मिलेगा। दूसरा जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा हाइलाइड फॉर्म में मिलते हैं, मोस्टली हाइलाइड फॉर्म में मिलते हैं। हाइलाइड दैट मीन्स वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है इसका मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा उनका, तब उनका जो हमारा क्या है एक्सट्रैक्शन है नॉन मेटल्स का वो हो पाएगा। लेकिन इसके अंदर हम नॉन मेटल के एक्सट्रैक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हमारा मेन क्या है मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देखते हैं। ऑक्सीडेशन से होगा क्योंकि हाइलाइट्स की फॉर्म में है, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या था, हाइलाइट्स हैं मान लीजिए Cl- और Br-। तो देखिए सबसे पहले हमने इसकी ऑक्सीडेशन की, Cl+2H2O:2H- हाइड्रोजन और Cl2 क्लोरीन हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। ये प्रोसेस सिंपली ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, सिंपल ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है इसका, इसमें हमारे पास किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम इसका करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ हो रहा है यहाँ पर ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ हो रहा है और जिसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं अबाउट 2.2 का ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को ही हम क्या कह रहे थे, मेटलर्जी कह रहे थे ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करने से पहले हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है कि जो ओर्स हैं उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। देखो ओर्स के अंदर हमें पता है भाई, ओर्स जो होते हैं ना उसके अंदर मेटल तो होता ही होता है ठीक है। अब मेटल के अलावा जो भी चीज़ होगी वो तो हमारे लिए यूज़फुल है ही नहीं, मतलब अनडिज़ायरेबल है ना, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो ओर्स में मेटल के अलावा जो चीज़ होगी, जो इम्प्योरिटी होगी ठीक है, उसको कहा जा रहा है गैंग या फिर मैट्रिक्स कहा जा रहा है उसको। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो है उसको गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। मेटलर्जी जो है वो डिपेंड करती है ओर्स के नेचर पे या फिर इम्प्योरिटीज़ के नेचर पे। मतलब ओर्स और इसके नेचर पे क्यों डिपेंड कर लिए, मान लीजिए हमारी जो इम्प्योरिटी है ना वो मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या फिर उसके अंदर क्या लग सकता है हमारा ग्रेविटेशन लग सकता है ठीक है। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स, अगर हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो मैग्नेटिक नेचर की है भाई, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर हमने मैग्नेट लगाया तो इम्प्योरिटीज़ जो होंगी ना वो तो मैग्नेट के साथ अटैच्ड हो जाएंगी, और जो हमारा मेटल होगा या जो भी जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो अलग हो जाएगा। और अगर इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक नेचर की नहीं है तो मेटल तो ऑलवेज मैग्नेटिक ही होता है, मेटल मैग्नेट से अटैच्ड हो जाएगा, जिसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इस बारे में। तो उससे भी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी और मेटल्स जो है वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास चार स्टेप हैं और इस चैप्टर में हमें ये चार स्टेप ही करने हैं ठीक है। पहला स्टेप आता है कर्शिंग एंड ग्रिनिंग ऑफ ओर्स। सबसे पहले जो ओर्स है जिसके अंदर इम्प्योरिटी प्लस क्या है हमारा मेटल है, उसको क्रश करेंगे ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देन क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स। इसके अंदर क्या करेंगे, जो ओर्स हैं उसके साथ इम्प्योरिटी एडेड है तो सबसे पहले उन ओर्स से उस इम्प्योरिटी को हटाएंगे ठीक है। ओर्स से क्या हटाएंगे, इम्प्योरिटी को हटाएंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स। अब जो ओर्स हैं
देखिए ओर्स जो होते हैं ना उसके अंदर कोई एक सिंगल हमारे पास मेटल नहीं होता, उसमें और भी मेटल्स होते हैं, लेकिन एक सिंगल मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो क्या करेंगे, जो हाईली जिस मेटल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है हम वो निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को, उस ओर से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। लेकिन अब हमारे पास जो मेटल आया ना वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर मेटल है, तो उसकी लास्ट में क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अब जो मेटल हमारे पास आया है उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। तो ये चार प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इन सब के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए डिफरेंट मेथड है, क्रूड मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए डिफरेंट मेथड हैं, और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये हम स्टेप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, कल से हम ये स्टेप्स शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।